Hey guys, welcome to the session. Welcome to the first session of daily readings with questions. I have already sent the questions in all the groups. So I hope you are done with the passage and you have solved the questions. Okay. Now the questions are pretty much, the level of the questions are pretty much similar compared to the questions asked in CAT. Okay, let us see how many of you got this, the three questions, right? So first of all, people or students who have not joined the group, just make sure that you have joined this group, VARC Hacks by Rohit, okay? Because all the solution videos and the further, more PDFs will be sent in that group itself, okay? So without further ado, let's start this session. So today is May 4th. Okay, now just let me give a quick read so that you can understand the passage. Okay, there will be a lot of nuances and intricacies that you don't need to, you need to eliminate that, you need to overlook that. Okay, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान नहीं देना पड़ता. Overall summary हम लोग समझेंगे, ठीक है? चलो, so now our passage, जो हमारा जो title दिया हुआ है, one must imagine first happy. Okay, now just let me read it. Fascination with the relationship between knowledge and power never dies. So, होता है कि fascination with the relationship between कि knowledge और power का actually relationship क्या है और ये कभी खत्म नहीं होता. In just about every intellectual tradition, हर एक intellectual tradition में, in essentially every documented era, the topic bristles to cranon, मतलब ये हर जगह फैला हुआ है. इसकी बात हर जगह होती है कि नॉलेज और पावर के बीच में बेसिक रिलेशनशिप क्या है. इसके लोग फैसिनेटेड होते हैं इसके बारे में. दो द यूरोपियन ट्रेडिशन अपीयर्स स्पेशली फिक्सेटेड अपॉन इट. यहाँ पे वर्ड यूज किया गया फिक्सेटेड. नाउ दिस वर्ड मीन्स लाइक ऑब्जेस्ड होना, राइट? सो यूरोपियन ट्रेडिशन अपीयर्स स्पेशली ऑब्जेस्ड अपॉन इट. दैट आर द टू डोमेन्स कंपेटिबल, आर द इवन डिस्टिंक्ट, डज द लैटर करप्ट द फॉर्मर. लैटर का मतलब क्या होता है? सेकेंड वाला. अब हमारा सेकेंड क्या था? फर्स्ट तो नॉलेज था, सेकेंड वॉज पावर. क्या पावर नॉलेज को करप्ट करता? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया. वाइल द फिलोसफिकल ट्रीटमेंट्स आर परहैप्स द मोस्ट सिस्टमैटिक, इट इज द लिटररी रिप्रेजेंटेशन दैट आई फाइंड मोर एल्यूरिंग. ठीक है, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि वाइल द फिलोसफिकल ट्रीटमेंट जो भी हो सकता है इन चीजों का और परहैप्स मोस्ट सिस्टमैटिक, लेकिन जो लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑथर के लिए बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव है या एल्योरिंग है, ठीक है, एक्साइटिंग है. टेक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन द हीरो एंटी हीरो क्वेश्चन मार्क ऑफ मैरी शेल्बीज 1880 नॉवल हु सॉट टू फ्यूज द ड्रीम्स ऑफ मिस्टिकल एल्केमिस्ट सेजेस विद द हमड्रम एम्पेरिसिज्म ऑफ द लैब टेक. नाउ विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, अगर आप लोग में से कोई लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन वॉज लाइक अ साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया था? लाइक ही क्रिएटेड सेल्फ बींग, लाइक एक क्रिएचर डेवलप किया था और लास्ट में क्या हुआ था? वॉट ही एंडेड अप विथ समथिंग वेरी ग्रोटेस्क. वो जो क्रिएचर था वो बहुत ही अगली सा निकला. लेटर उसको क्या किया गया सोसाइटी ने, इवन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने उससे लाइक दूर हटा, उसे हेट किया गया, राइट? सो इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको पढ़ना चाहिए, इस पे मूवीज वगैरह भी आ चुकी है. आगे बढ़ते हैं. द रिजल्ट प्रेडिक्टेबली फॉर मॉरल फेबल वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिएटर, द क्रिएशन एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. द रिजल्ट प्रेडिक्टेबली फॉर अ मॉरल फेबल. फेबल का मतलब क्या होता है? मॉरल टेल, जो चीज आपको जैसे बोलते हैं ना हम लोग स्कूल में मॉरल साइंस वगैरह पढ़ते थे, एक ऐसी स्टोरी जो आपको अच्छी चीज सिखाए, कुछ मॉरल की चीजें सिखाए. लेकिन वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिएटर, यहाँ क्रिएटर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. द क्रिएशन एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, क्रिएशन के दौरान जो भी चीज बीच में बची सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती थी, ठीक है. द सब टाइटल ऑफ शेलीज नॉवल वॉज द मॉडर्न प्रोमिथियस. अब इसके बारे में एक अलग सी नॉवल के बारे में बात की जा रही है, प्रोमिथियस. इस पर एक मूवी भी है, ठीक है. द ग्रीक माइथोलॉजिकल नेम से brought fire down to humans despite a direct prohibition from Zeus against any such meddling. It did not end well for Prometheus, eagles and liver. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक point बताना चाहता हूँ, interesting point. Like Prometheus was, you can say, Titan, जैसे हमारा world, like Titan world के god ने like की तरह देखा जाता था, and like he was worshipped by creators. Now what happened is, जो एक background story में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा interesting है. Zeus जो एक Greek god है, ठीक है, उन्होंने like Prometheus को कहा था कि
उन्होंने ह्यूमन से आग को लाइक छीन लिया था, फायर. ही टुक द फायर फ्रॉम ह्यूमंस. हु? ज़ूस. नाउ क्या किया प्रोमेथियस ने, ही स्टोल द फायर फ्रॉम ज़ूस एंड गेव इट बैक टू ह्यूमंस. इस पे ज़ूस भड़क गए और प्रोमेथियस को पनिशमेंट दी, और पनिशमेंट क्या था एक्चुअली, दैट डेली ईगल्स आएंगे और उसके लिवर्स को खा जाएंगे और नेक्स्ट डे वो लिवर फिर से रीजेनरेट हो जाएगा. और ये काफ़ी दिनों तक चला था. लास्ट में हर्क्यूलिस, हर्क्यूलिस नाम आपने सुना होगा, ठीक है, हर्क्यूलिस रेस्क्यू करने आए थे प्रोमेथियस को. तो एक बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ पे दी जा रही है. नेक्स्ट, बट ऑल ऑफ द कॉजनरी टेल अबाउट द पेरिल्स ऑफ ह्यूमन टेम्पटेशन टू विजडम, there is one I keep coming back to, that is the late medieval scholar Faust. Now Faust ke bare mein bhi aap search kar lena kabhi, Faust bahut hi interesting story hai bhi, who upon finding the life of a scholar a little tedious ends up selling his soul to Mephistopheles for greater knowledge and power. For example kya tha, ye Faust ye bhi ek tarah ke scientist doctor the, वो क्या किया ना, डेविल से एक समझौता कर ली, लाइक उन्होंने अपना सोल, अपनी आत्मा डेविल को बेच दिए थे. क्यों? क्योंकि वो स्कॉलरली जो लाइफ होता है ना, उसे बहुत टीडियस, बहुत बोरिंग, बहुत मोनोटोनस समझते थे. राइट राइट, जिसका आउटकम बहुत ही नेगेटिव हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक समझ में आना चाहिए कि ऑथर हर एक ऐसे एग्जाम्पल को ले रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव आखिरी जो कॉन्सिक्वेंस था, द रिजल्ट, द कॉन्सिक्वेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. अभी तक हमें ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, टू लुकिंग एट द ब्रॉडर पिक्चर. Next, when the story is represented and re-represented by the likes of Christopher Marlowe, a famous writer, John Wolfgang von Goethe, Charles Gounod, Mikhail Bulgakov, Bulgakov, maybe a Russian name, पढ़ने से लग रहा है, Thomas Mann and countless others, it is always a tragedy. मतलब अगेन, जितनी भी स्टोरी, जितने भी राइटर्स और जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स अभी तक ऑथर ने बताए, ये सारे ट्रेजिडी के तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ अच्छा करना था लेकिन दे ऑलवेज एंड अप इन समथिंग ट्रेजिकल इवेंट. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. ऑफ कोर्स दीज आर ऑल फिक्शंस फिक्सेटेड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमंस. फिक्शंस, ये सारे फिक्शंस है, रियल स्टोरी कुछ नहीं है. ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमंस इन द केस ऑफ प्रोमेथियस टाइटन, अगेन टाइटन एक अलग सोसाइटी के बारे में बात किया गया था, अलग प्लैनेट था. तो ह्यूमंस और टाइटन, ह्यूबरिस अबटिंग अगेंस्ट द गॉड फिड. ह्यूबरिस का मतलब होता है लाइक आपका ईगो, आपका प्राइड, अबटिंग अगेंस्ट द गॉडेड, मतलब किसी के अगेंस्ट में जाना, कुछ नया करना और कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाना. यहां से मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं उसे. इन आवर सेक्युलर एज वन इज रिपीटेडली टोल्ड दैट इट इज इंडीड अ सेक्युलर एज. We are supposedly beyond the superstitious fear of new knowledge and the dangers it might wreak upon it. मतलब अब humans क्या है? Secular age में we are supposedly beyond the superstitious fear. हम उस superstitious fear के beyond जा चुके हैं of new knowledge and the dangers it might wreak upon the new world. कि क्या कोई नया knowledge हमारे society को, हमारे world को damage कर सकता है? इससे beyond हम जा चुके हैं, right? नेक्स्ट इज देर इज अ लॉट टू आर्ग्यू अगेंस्ट दैट नगेट ऑफ कन्वेंशनल विजडम. इसमें बहुत सारी आर्ग्यूमेंट की बात आ सकती है, राइट, बट आई फोकस हियर ऑन अ की फेसेट. फेसेट मतलब फीचर, की फीचर ऑफ फर्स्ट स्टोरी एंड इट्स लिटरली किन दैट करप्शन इन डिस्कवरी हॉबल्स ट्रू विजडम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हॉबल्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना या बर्बाद कर देना. कि करप्शन अगर किसी डिस्कवरी में करोगे, किसी भी साइंटिस्ट ने अगर अपने नॉलेज का यूज किसी गलत मकसद से किया तो उसका जो आउटकम था वो बहुत ही नेगेटिव था. तो करप्शन इन डिस्कवरी हॉबल्स ट्रू विजडम का मतलब होता है कि अगर आपके नॉलेज में करप्शन हो, आपके डिस्कवरी में करप्शन हो, तो वो आपके रिसर्च को खराब कर सकता है, राइट. नाउ आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट, आई होप दिस इज द लास्ट पैराग्राफ. The prism of Faust appears again and again, ठीक है, in commentaries about the science during and after World War II. ये जो रॉबर्ट फॉस्ट या डॉक्टर फॉस्ट थे, इनका इनके बारे में जो बात किया जाता है ना, ये ऑन एंड ऑन आता रहता है, ठीक है. क्योंकि आखिरकार ये एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है सोसाइटी में, क्योंकि उनके एक्शंस के कारण उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ था. एक स्कॉलर, ही एंडेड अप मीटिंग badly, ठीक है, he died, I guess so, ठीक है. तो ये लाइन में फिर से पढ़ता हूँ. The prism of Faust appears again and again in commentaries about science, कब? During and World War II.
ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस ये क्वेश्चन भी होगा. मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जो न्यूक्लियर वेपन्स यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट. आई होप सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उस प्रोजेक्ट को लीड किया था ओपेनहाइमर ने. ठीक है, मैं लास्ट नेम जान रहा हूँ उनका, ओपेनहाइमर. एंड द V2 बैलिस्टिक मिसाइल एंटरप्राइज इन हिटलर जर्मनी. हिटलर में भी लाइक एक हिटलर भी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोक्योर करने के था, डेवलप करने के पीछे पड़ा हुआ था और वो V2 मिसाइल्स बनाया था. ठीक है, टू बी श्योर द फॉस्टियन लैंग्वेज डिड नॉट अपियर इंस्टेंटली बट स्टार्टिंग इन द लेट 1960s एंड मोर इंटेंस पॉपुलर क्रिटिक ऑफ द थर्मोन्यूक्लियर स्टैंडर्ड इट बिकेम टू कॉमन टू इवन प्रोवाइड अ कर्सरी लिस्ट. एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. ठीक है, द कंसेप्चुअल पेयरिंग इज ओवर डिटर्मिन्ड. हियर वी हैव मोर रेरिफाइड. रेरिफाइड का मतलब होता है ना जो लोग दूसरे के बारे में चिंता ना करें. ठीक है, हियर वी हैव मोस्ट रेरिफाइड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन. फिजिक्स ऑफन स्टैंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल साइंस कन्फ्रंटिंग द मोस्ट डायबॉलिकल ऑफ पावरफुल एंटिटीज. नाउ डायबॉलिकल मीन्स ईवल. ओके, डायबॉलिकल मीन्स ईवल. द न्यूक्लियराइज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैश वॉज पोर्ड. दिस लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कैश वॉज पोर्ड लिबरली. दिल खोल के कैश दिया गया, पैसा दिया गया. अपॉन द साइंटिस्ट नॉलेज फ्लोड बैक टू देयर मिलिट्री पे मास्टर्स एंड ऑल इट कॉस्ट. लास्ट लाइन पे ध्यान देना. All it cost was the former soul and a planet thrust into precarity. Precarity का मतलब होता है damage करना. मतलब अब यहाँ पे example देखो क्या गया. ये पूरे paragraph को मैं summarize करके बता दे रहा हूँ. Like बोला गया Manhattan Project, V2 Project. क्या था इसका, like इसका repercussions का था क्या था, इसका like consequence क्या था. Consequence था कि like Tokyo पे Fat Man and Little Boy के नाम से दो एटम बॉम्ब्स को रिलीज किया गया था जो कि ह्यूमन सोल्स को, काफ़ी ह्यूमन सोल्स चले गए उसमें. ठीक है, तो आखिर रिजल्ट क्या हुआ. अब यहाँ देखो, लिटरेचर की कुछ फिक्शनल चीज़ों से ऑथर ने रियलिटी को कंपैरिजन किया. राइट, कि अगर कोई भी नॉलेज करप्शन के लिए यूज़ किया जाएगा तो कुछ ना कुछ डिवास्टेटिव इफेक्ट होगा. डॉक्टर फॉस्ट के साथ भी ये वही हुआ, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के साथ भी वही हुआ, और हमारे लाइक इवन सोसाइटी में वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ आप सभी जानते हो. राइट, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन क्या, आई होप कि पैसेज आपने समझ लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. अब आप तो सेंट्रल आइडिया पकड़ लोगे. ठीक है, बट स्टिल देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या. द ऑप्शंस आर ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन टेंटेड टू द पेरिल्स. क्या ह्यूमंस हमेशा अपने एंड, अपने डेथ, अपने लाइक ये सोचते थे क्या कि वो खत्म हो जाए. पैसेज से लाइक मैच नहीं कर पाता तो इसे हम रूल आउट कर देंगे. दिस कैन बी रूल आउट इजीली. सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन देखना. मैनकाइंड हैज ऑलवेज सफर्ड फ्रॉम सम ह्यूमन एक्शन. ओके, मे बी, बट नॉट रिलेटेड टू द पैसेज. सो हम इसे भी रूल आउट कर सकते. राइट, ऑप्शन नंबर सी. इन परसुएंस ऑफ पावर विथ नॉलेज हैज लेट सम डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमंस. हो बोला गया था कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप उससे पावर लाइक चाहते हो प्रोक्योर करना, ठीक है, पावरफुल बनना चाहते हो, तो इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट हिस्ट्री में भी हुआ, लिटरेचर में भी देखने को मिला. सो यस, दिस कैन बी द आंसर. ऑप्शन नंबर डी क्या था. नॉलेज ऑलवेज एल्यूर्स पावर. जरूरी नहीं है. क्या नॉलेज अगर किसी के पास है तो हमेशा वो पावर के बारे में सोचेगा? नहीं. ठीक है, कुछ लोगों के साथ होगा, कुछ के साथ नहीं होगा, बट नॉट ऑलवेज. ऑलवेज यहाँ पे वर्ड जो है इसके कारण हम लाइक इसे रूल आउट कर सकते हैं. सो आवर ऑप्शन आंसर इज सी. अगेन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ यू थिंक दैट समथिंग इज नॉट क्लियर, प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन इवन डिस्कस दिस योर कन्फ्यूजन्स, योर डाउट विथ मी इन द ग्रुप. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज What difference does the author express between knowledge and power in the passage? Author ने passage में power और knowledge के बीच में क्या difference दिया था. अब let me take you back to the passage, the part where you can see. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं erase कर लेता हूँ सारे चीज़ों को ताकि मैं उस point को highlight कर सकूँ. Now यहाँ पर देखना, are the two, just a second, yes. Are the two domains compatible? क्या power और like knowledge compatible है? Are they even distinct? क्या वो different है? Does the latter corrupt the former? क्या power like knowledge को corrupt करता है? तो ये कुछ questions यहाँ पे पूछी गई थी.
अब ना गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर एक्सप्रेस बिटवीन नॉलेज एंड पावर इन द पैसेज. ओके ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज ही बिलीव्स दैट बोथ आर फैसिनेटिंग टॉपिक्स थ्रू आउट हिस्ट्री. ये कोई क्वेश्चन तो नहीं था, पैसेज में तो सिर्फ क्वेश्चंस रेज की गई थी ना, कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया गया था दोनों के कंपैरिजन के बीच में. कंपैरिजन किया गया था बट उस कंपैरिजन पे डाउट था, क्वेश्चंस पूछी गई थी. सो आई डोंट थिंक दिस इज लाइक राइट क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी, दे बोथ आर फिक्सेटेड प्रॉब्लम्स फॉर एवरी सिविलाइजेशन. फिक्सेटेड का मतलब मैंने बताया था, दिस मीन्स लाइक ऑब्सेस्ड होना. ये दोनों ऑब्सेस्ड प्रॉब्लम्स है फॉर एवरी सिविलाइजेशन. यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछा गया. सो दिस कैन आल्सो बी रूल्ड आउट. ऑप्शन नंबर सी, ही रेजेस क्वेश्चंस ऑन द टू ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी एंड डिस्टिंक्शन. बिल्कुल सही, क्या दोनों कंपैटिबल हैं या क्या दोनों डिस्टिंक्ट हैं, ये कंपैरिजन किया गया था. बस इतना ही डिटेल हमें इस पैसेज में मिला गया. सो एज पर द डिटेल गिवन और द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज आई कैन से सी इज द आंसर. डी भी पढ़ लेते एक बार. He gives some literary representation to highest to highlight their effects. नहीं, वो उनका इफेक्ट नहीं दिखा रहे थे, वो यहाँ पे कंपेरिजन की बात करना चाहिए. पहले तो समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. ठीक है, क्वेश्चन में बस पूछा गया है कि क्या दोनों के बीच में कंपेरिजन क्या किया गया था. अब कंपेरिजन में कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया था, कंपेरिजन में क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, वो खुद कन्फ्यूज थे ऑथर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. अवर लास्ट क्वेश्चन इज, We are supposedly beyond the superstitious fear of new knowledge and the dangers it might wreak upon the world. By this line, the author implies that. Author ne ye line use kiya gaya tha passage mein, that we are supposedly beyond the superstitious fear, beyond of new knowledge and the dangers it might wreak upon the world. Ki koi naya knowledge hamare duniya mein tabahi la sakta hai. Theek hai, is line se kya author ne kya what he was implying. ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर वन देखते हैं. A new knowledge can potentially damage our world. जरूरी तो नहीं, और मे बी हो भी सकता है, तो पैसेज में तो नहीं था, पैसेज के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया हमारा. Humans fear that new knowledge can cause havoc upon the humans. नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे था. अब वो तो बियॉन्ड फियर ना, अब तो हम उस फियर के बियॉन्ड पास कर चुके, ट्रांसेंड कर चुके, अब हमारे पास वो फियर ही नहीं है. सो आई कैन से दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमंस आर बियॉन्ड द थॉट दैट न्यू नॉलेज कैन कॉज प्रॉब्लम टू देम. यस, सी इज द आंसर. अब वो थॉट नहीं आता कि कुछ नया नॉलेज हमें हमारे वर्ल्ड को डिवास्टेशन की तरफ ले जा सकता है. वी आर बियॉन्ड दैट, वो क्योंकि वहां पे एक वर्ड यूज किया गया था सुपरस्टिशियस. वी आर बियॉन्ड दैट सुपरस्टिशियस फीलिंग. ठीक है, कि अब कुछ नया अगर डेवलप होता है तो हमें बर्बाद कर देगा. ठीक है, एक कोलाइडर, आई कैनॉट रिकलेक्ट द रिमेम, हेड ऑन कोलाइडर या होडाइन कोलाइडर, आई मीन जेनेवा में शायद एक था, जिसके बीच में बहुत सारा लाइक डिबेट चला था कि अगर वो कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट किया गया तो लाइक दे विल बी डिवास्टेशन इन द वर्ल्ड. तो उसी तरह से समझो कि उससे एक रेफरेंस ले सकते हो. लास्ट हमारा ऑप्शन है, विद द न्यू नॉलेज देर इज ऑलवेज अ क्योस. नहीं, क्या नया नॉलेज के साथ हमेशा क्योस होता है वर्ल्ड में. नहीं, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. नाउ आई हैव गिवेन यू द आंसर्स, यू कैन डिसएग्री विथ मी. ठीक है, और मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि इसका आंसर क्यों हुआ. ओके, आई होप द पैसेज वॉज क्लियर, द आंसर इज क्लियर, माई एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. ठीक है, नया पैसेज लाइक कल आपको मिल जाएगी एंड कल फिर इस पर एक वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा. आई होप यू आर लाइक इन्जॉइंग द सीरीज, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू डू वेल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और एक ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था, 5 days a week हम इस पर करेंगे काम. ठीक है, अगर कोई सजेशन या कोई फीडबैक हो तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस इट. टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग.